स्वागत है तुम्हारा। आज खेलेंगे मैथ्स का पिटारा, बजाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ढोलक। मैं हूँ योर मास्टर टीचर अमित मोदक। सो यस, आज का जो हमारा सेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, आज का जो सेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल ये बिजनेस का मूल मंत्र, बिजनेस का फंडामेंटल्स है प्रॉफिट एंड लॉस। और आज के ट्रेंड में सभी को बनना है बिजनेसमैन, सभी को बनना है एंटरप्रेन्योर, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सो दिस इज ऑफ योर ग्रेड 7 एंड 8 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हमें पता ना हो, ओके, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस, वी कैन नॉट ऑफ थिंक ऑफ हैविंग अ बिजनेस, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल्स विच वी मस्ट बी नोइंग to have a business running well. So, बहुत काम आने वाला है। और ना ही सिर्फ business, ये तो main हो गया business, but वैसे भी कई बार चीजों का हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारा नुकसान हुआ या हमें फायदा हुआ। कई बार होते हैं हम लोग अपने दोस्तों को भी कभी कभी चीजों को देते हैं, और कुछ चीजें जैसे खरीदते हैं उसको बेचते हैं, तो उसमें भी हम लोग प्रॉफिट या लॉस के बारे में जिक्र करते हैं। सो चलो फिर विदाउट मच डिले, वेरी वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग वीडियो, जहां हमने बात करना है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सो अगर किसी ने अभी तक वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर डालो, क्योंकि आज जो है ना मूल मंत्र पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप को करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो टिप्स है, जो नुस्खा है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। क्या हम लोग अपने बिजनेस में ट्रिक्स लगाएं? हो सकता है आज के डेट में आप लोग बहुत छोटे हो, बट हो सकता है फ्यूचर में आप बड़े बड़े बिजनेसमैन बनोगे, हो सकता है आप चीजों का खरीद बिक्री बहुत अच्छा कर पाओगे। डिस्काउंट अगर चल रहा है ऑफर में, कई बार हमारे सेलिब्रेशंस जब होते हैं, पूजा पे होता है, कई बार अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में सेल्स चलते हैं, ऑफ्स देते हैं, तो हमें पता तो चलना चाहिए क्या उसको लेने में हमें फायदा है, क्या हमें लेने में नुकसान है। कई बार हम लोग खरीद लेते हैं और बाद में लगता है अरे यार ये तो नुकसान हो गया खरीद के, और कभी कभी लगता है अरे ये तो बड़ा फायदा हो गया। सो हमें इन सब चीजों का बहुत अच्छे से जानकारी मिलना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग इस सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाने वाले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, IMO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और उसको करने के लिए एकदम लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। तो जल्दी से स्टूडेंट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करो भाई, ताकि किसी का भी छूटे नहीं ये वीडियो। चलो तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चंस को करने से पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स क्या है। तो इसमें बेसिक फंडामेंटल्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, सबसे पहले कोई भी चीज को सबसे पहले तो खरीदना जरूरी है, राइट? तो हमें खरीदने के लिए पता होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस दाम पे किसी चीज को खरीदा जाता है। ओके, द कॉस्ट एट विच अ पर्सन एन ऑब्जेक्ट अ पर्सन ओके परचेज एनीथिंग, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। फिर एक होता है सेलिंग प्राइस, ये सब फंडामेंटल्स है। सेलिंग प्राइस, जिस दाम पे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आर्टिकल को जब एक शॉपकीपर उसे बेचता है, द प्राइस एट विच एनी ऑब्जेक्ट एनी आर्टिकल इज बीइंग सोल्ड, दैट्स आवर सेलिंग प्राइस। ये दो नींव हो गए प्रॉफिट एंड लॉस में। कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग सीपी के नाम से ज्यादा उसको समझते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट कर देते हैं। और अगर हमारा सेलिंग प्राइस जिस दाम पे बेच रहे हैं वो अगर ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो बताओ भाई क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा।
कितना प्रॉफिट होगा तो वो पता चलेगा एसपी माइनस सीपी से, ये हमें प्रॉफिट देगा। अब प्रॉफिट को कई बार गेन वर्ड से भी लिखा रहता है, गेन गेन मतलब भी फायदा। ओके, अगर हमारा एसपी कम हो सीपी से तो उस केस में हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में सीपी माइनस एसपी जो कि हमें लॉस के बारे में पता चलेगा। ओके, इन दैट केस विल गेट अ लॉस। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज, कई बार परसेंटेज के फॉर्म में हम लोगों को पता चलता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है या गेन परसेंट कितना है, लॉस परसेंट कितना है। सो फॉर दैट विल डू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी पे हमेशा कैलकुलेट होता है क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही तो पता चलेगा कि आखिर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो इसलिए हमेशा कैलकुलेशन सीपी पे करते हैं, इनटू 100% में चेंज करने के लिए। सेम वे में लॉस परसेंट, लॉस बाय सीपी इनटू 100। ठीक है, अगर ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया। अगर हमें मान लेते हैं प्रॉफिट परसेंट दे रखा है या लॉस परसेंट दे रखा है, सीपी दे रखा है, एसपी कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको अगर हम लोग याद रखें बहुत ही फायदेमंद है। एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। अब ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो इससे हम लोग सीपी भी निकाल सकते हैं। अगर एसपी दे रखा सीपी भी निकाल सकते, सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू एसपी बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला से हमारा हर एक काम बन जाएगा। अगर इसमें लॉस बोलेगा तो माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो इसी से अगर कोई भी इसमें तीन वेरिएबल है, एसपी है, प्रॉफिट है, सीपी है, या फिर कह सकते हैं एसपी है, लॉस है, सीपी है, तो कोई भी अगर दो चीजें पता हो ना तो हमारा तीसरा निकालने में बहुत आसान होगा। तो चलो फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि पता तो चले किस जगह पे कैसे यूज करा जाए। ओके, तो सबसे पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पर और ये आईएमओ ग्रेड 7 2016 का सवाल है, तो बढ़िया से करना मेरे बच्चों। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹2,090.42, 2,090 रुपए 42 पैसे विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है सोल्ड शॉपकीपर जो था उसने एक आर्टिकल बेचा 2,090 रुपीज 42 पैसे पे विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 2,602.58, 2,602 रुपीज 58 पैसे पे अगर वो बेचता है तो उसे अप्रोक्सीमेटली बताना है कितना प्रॉफिट होने वाला है। क्या उसका प्रॉफिट 15% होगा या 20% या 25% या 30%? अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी हमें निकालना है कि कितना होने वाला है उसका प्रॉफिट परसेंट। जल्दी से सॉल्व करो, चैट बॉक्स में डाल दो फटाफट, कमेंट में डाल दो ताकि मुझे पता चल जाए कितना आंसर आने वाला है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो फिर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। So, इसका करेक्ट आंसर है 25। मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली निकालना है, ठीक है। सो चलो फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करा जाए। तो जैसे कि ये कह रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ना उसे नुकसान हुआ ना ही फायदा हुआ। इसका मतलब जिस दाम पे उसने खरीदा होगा उसी दाम पे बेच डाला। सो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो हो गया हमारा 2,090.42, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर उस आर्टिकल को एसपी इक्वल टू 2,602.58 पे बेचा जाए, मान ली कि यहां पे सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है, जो दे रखा है, इस
पे अगर बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट, कितना मुनाफा होने का बस संभावना है। सो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, सेलिंग प्राइस ज्यादा है हमारा कॉस्ट प्राइस से। सो क्या करें हम लोग, प्रॉफिट इक्वल टू 2602.58 माइनस कर लेंगे 2090.42 से, तो ये हमारा मिलके आ जाएगा 8 माइनस 2 इज 6, 5 माइनस 4 0.2 हो गया, 10 माइनस 9 इज 1, और ये हो गया हमारा 5। तो 512.16 ये तुम्हारा रुपयों के फॉर्म में आया। ओके, हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो जैसे मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट ले लो डिवाइडेड बाय सीपी, हमेशा सीपी लेना है क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा। तो सीपी हमारा 2090.42 इंटू हम लोग करेंगे 100, ठीक है, इंटू करेंगे हम लोग 100। तो अब ये हमें कितना देगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम लोग थोड़ा राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, ठीक है, डेसिमल को हटा के थोड़ा राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, करीब करीब ये पॉइंट हटा दिए यहाँ पे, ये भी हट गया। सो ये हमारा करीब 50,000 डिवाइडेड बाय ये करीब हमारा, इसको अगर राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख, इसको अगर राउंडिंग ऑफ पे हम लोग करते हैं बाय इनटू 100, तो ये हमारा 4 0, इसके साथ 4 0 खत्म, 5 1s are, 5 4s are, और 100 by 4s होता है नियरली, ये हमारा 25%, ठीक है, इसको हम लोग राउंडिंग ऑफ पूरी तरह से कर दिए, तो ये हमारा 25% अगर हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे, ये 24.6 अराउंड देगा, एंड उसको हम लोग नियरली इक्वल टू 25%, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन में ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स टू टेलीविजन्स फॉर रुपीज 1955 ईच, गेनिंग 15% ऑन वन एंड लूजिंग 15% ऑन अदर। शॉपकीपर सेल्स टू टेलीविजन्स फॉर रुपीज 1955 ईच, गेनिंग 15% ऑन वन एंड लूजिंग 15% ऑन द अदर। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। कह रहा है जो शॉपकीपर है उसने दो टेलीविजन बेचा 1955 करके, है ना, 1955 होता है ना कई बार कि शॉपकीपर जो होता है वो, मान लो जैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में कई बार होता है कि अपने कुछ लोग होते हैं ना जान पहचान के, वो चले गए मान लो, ठीक है, उसके पास कोई कस्टमर चला गया, अब वो जान पहचान, वो तो जान रहा है कि भाई उसके पास वो गया है कि चलो जान पहचान का है, थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह देगा। तो कई बार क्या होता है शॉपकीपर्स जो है अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसे थोड़ा डिस्काउंट दे देता है, ठीक है, भले उसका थोड़ा सा कम ही मुनाफा हो, या कई बार थोड़ा नुकसान झेल लेता है कि सोचता है चलो भाई और वो 4 5 कस्टमर्स लेके आएगा, थोड़ा सा उससे नुकसान झेल लेता है और दूसरे से जो है थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेता है ना, तो ऐसा कई बार होता है। तो ऐसा ही हुआ कि शॉपकीपर ने दो टेलीविजन बेचा 1955 करके, ठीक है, 1955 ईच, गेनिंग, अब उसने क्या किया, एक में 15% फायदा ले लिया, ठीक है, एक में 15% फायदा ले लिया और दूसरे में उसको नुकसान हो गया 15%। तो इस केस में, ऐसा केस अगर होता है कि किसी आर्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को शॉपकीपर ने क्या किया, टेलीविजन जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सेम दाम पे बेचा, लेकिन एक टेलीविजन जो है उसमें 15% मुनाफा हो गया, फायदा हो गया, और एक टेलीविजन सेट पे उसे 15% नुकसान हो गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, हो सकता है दो अलग अलग ब्रांड्स के टेलीविजन थे, तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या हुआ उस शॉपकीपर को, क्या वो फायदा हुआ या नुकसान हुआ। एंड दिस इज अगेन
2016 IMO ग्रेड 7 के क्वेश्चन, तो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस के लिए ये सवाल है स्टूडेंट्स। चलो बताओ व्हाट इज द आंसर। सोचो सोचो व्हाट शुड बी द आंसर। टेक योर टाइम, सॉल्व इट एंड देन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब किसी को बिजनेस करना होता है, जैसे मैंने कहा बिजनेस के ये नींव है, ये पिलर्स है, तो बहुत ही समझ में आना चाहिए कि भाई सेम चीज को अगर हम लोग सेम सेम वे में बेच रहे हैं, मतलब सेम सेलिंग प्राइस है और एक को प्रॉफिट हो रहा है एक में गेन हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कई बार होता है कि किसी को हम लोग थोड़ा ज्यादा दाम में बेच देते हैं, किसी को थोड़ा कम दाम में बेचते हैं, ताकि ओवरऑल हमारा फायदा रहे और कस्टमर हमारा बना रहे, कि कस्टमर है तो सब कुछ है ना। शॉपकीपर के लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलो फिर आंसर देखते हैं। सो राइट आंसर है नुकसान हो गया, लॉस हो गया 9/4%, तो फायदा नहीं हुआ उसको, उसको नुकसान हो। कैसे नुकसान हुआ, लेट्स सी। तो कह रहा है शॉपकीपर जो है उसने दो टेलीविजन बेचा, दैट मींस सेलिंग प्राइस ऑफ टू टेलीविजन ना, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1955 करके उसने दो सेट बेचा, तो इनटू टू कर दे 5 2 10 कैरी वन, 5 2 10 कैरी वन 11, 9 2 18 119 कैरी वन, 2 1 2 एंड 3 3 9 10, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टू टेलीविजन्स, दो टेलीविजन टोटल एसपी लगा देते, टोटल टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना आया 3 9 10 में दोनों टेलीविजन बेच डाला। ओके, अब बोल रहा है कि एक में फायदा हुआ 15%, एक में नुकसान हुआ, तो भाई हम लोग क्या करें, पहले तो हमें जानना पड़ेगा टोटल गेन हुआ या टोटल लॉस हुआ, ये पता चलेगा जब हमें टोटल सेलिंग प्राइस और जब टोटल कॉस्ट प्राइस का पता चले, राइट। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत है, तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इनटू सीपी, तो इसको अगर इस्तेमाल करें सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इनटू एसपी बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। उसी तरह से अगर हम लोग CP is equal to 100 into SP by 100 minus loss percent use कर सकते हैं, ताकि दोनों का CP निकल जाए, तो 100 into SP, SP तो हमें पता है कि दोनों को सेम दाम पे बेचा गया, 100 plus profit percent तो ये हो गया 115, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 100 into 1955, 100 minus 15, okay? कितना आता है आंसर हम लोग देखते हैं, 100 इंटू 1955 अपॉन 115 जैसे मैंने कहा, और एक साइड में हमारा आ रहा है 100 इंटू 1955 अपॉन 100 माइनस 15, ये आ जाएगा हमारा 85। ठीक है, तो चलिए तो सॉल्व करते हैं, दोनों का सीपी आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 5 2s are 10, 0 5 2s are 10, 5 3s are 15, ठीक है 23। अब देखते हैं 1955 23 से डिवाइड होगा क्या। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 1955, ठीक है, ये चूंकि हमारा एक प्राइम नंबर है तो देखते हैं हम लोग 1955 23 से, एट से अगर करते हैं, 8 3s are 24 कैरी 2, 8 2s are 16 टू 18, हाँ 8 से कर सकते हैं, 8 3s are 24 कैरी 2, 8 2s are 16 टू 18, 5 4 1 9 8 1 1 1 5, अब 5 से देखते हैं, 5 3s are 15 कैरी 1, 5 2s are 10 111, अरे वाह गुड, सो 20 into 85 हो गया, सो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 5s are 10 कैरी 1, 8 2s are 16 और 17, तो ये आ रहा है हमारा 1700 रुपीज। ठीक है, तो अगर फायदा में बेच तो सीपी हमारा कितना आया 1700। ठीक है,
तो सीपी हमारा कितना आया 1700। उसी तरह से लॉस अगर हुआ, ठीक है, तो होना भी चाहिए, सीपी हमारा कम आना चाहिए, जो हमारा एसपी है वो 1955 है, सीपी है 1700। ओके, उसी तरह से यहाँ पे हमारा 85, 85 से देखते हैं, 85 अभी हमने देखा, 85 आया 23 से, तो फायदा ही हो गया, यहाँ पे 23 कर देंगे, 23 इंटू 100, 2300। तो पहला टीवी जो था वो 1700 का आया था, पहला टीवी हमारा 1700 का आया था। इस रफ को हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, तो जो हमारा पहला टीवी है 1700 का आया और दूसरा टीवी 2300 का आया, इसीलिए उसमें नुकसान हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया। तो टोटल सीपी निकालते हैं, टोटल सीपी कितना आ जाएगा, 1700 प्लस 2300, तो ये आ जाएगा हमारा 00 7 3 10 कैरी 1 2 1 3 1 4 4000। तो कितना आ गया टोटल सीपी 4000, जबकि टोटल एसपी कितना था हमारा 3910। तो इसका मतलब एसपी जो है छोटा था सीपी से, सो इसका मतलब लॉस हो गया। लॉस कितना 4000 माइनस 3910, दैट मींस 0 10 माइनस 1 इज 9, ठीक है, तो 90 रुपया का नुकसान हो गया। लेकिन हमारा सवाल पूछा गया था परसेंट के फॉर्म में, तो हम लोग परसेंट के फॉर्म में निकालेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इनटू 100। तो लॉस हमारा कितना आया 90 रुपीज, ठीक है, 90 रुपीज, 90 बाय सीपी कितना आया हमारा 4000, सो 4000 बैठाएंगे इनटू 100, दो जीरो कैंसल हो गया इसके साथ, इसके साथ ये कैंसल हो गया, तो कल मिला के आ गया 9/4% एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। हमने देखा था 9/4% आना चाहिए। ओके, सो वेरी वेल डन माय बॉयज एंड गर्ल्स। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बैठते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कीर्ति बॉट, देखो फिर से मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं लेके आया हूं, आई एम ओ ग्रेड 8 2017 का सवाल, तो बहुत पुराने भी नहीं है, और इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस के डेटा चेंज होंगे बट पैटर्न सेम रहेगा, तो हम लोग क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। सो कीर्ति बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द आउटर द सिटी ऑफ फॉर रुपीज 32,50,000, she built a wall around it for which she spent rupees 1,75,000, then she wants to sell it for rupees 40 lakhs by making an advertisement in the television which cost her 15,000, find her profit percent। तो कह रहा है कीर्ति जो है उसने एक फ्लैट खरीदा 32,50,000, ओके, सॉरी फ्लैट नहीं, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, ओके, उसके बाद उस पर एक वॉल बनाया गया है ना, बाउंड्री कर दिया गया ताकि बाहर के लोग उसमें किसी तरह का एक्टिविटीज इन्वॉल्व ना करें। सो शी बिल्ट अ वॉल ऑफ 1,75,000 और फिर बेचने के लिए कहीं तो चाहिए, सो शी डिड एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ 15,000 और फिर उसने डिसाइड किया कि 40 लाख में वो प्लॉट दे देना चाहती है। सो व्हाट इज हर प्रॉफिट पर्सन, व्हाट इज गोइंग टू बी हर प्रॉफिट पर्सन, calculate it and get the answer। ऐसे बहुत सारे रियल स्टेट के बिजनेस होते हैं जो प्लॉट्स खरीदे जाते हैं फिर बेचे जाते हैं, खरीद बिक्री ऐसा होता रहता है, तो मैं साथ साथ में बिजनेस की बातें भी कर रहा हूं। चलो तो देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस, 14.52%, और ये उसका कीर्ति का प्रॉफिट परसेंट है। चलो देखते हैं कैसे। सो जैसे हमने देखा कि कीर्ति ने एक प्लॉट खरीदा, राइट, तो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो कीर्ति के लिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट जो है प्लॉट ऑफ लैंड, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड जो है
वो 32,50,000 का है। बट उसने क्या किया कि उसमें थोड़ा एडिशनल चीजें और डाला गया ताकि उसके से उसकी जो कॉस्ट है उसको और बढ़ाया जा सके, है ना, जब सेलिंग हो तो उसे प्रॉफिट हो सके। तो उसने क्या किया, एक वॉल को बना दिया, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वॉल भी उसी पे ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वॉल कितना आया, 1,75,000, मतलब 1,75,000 वॉल को बनाने में कॉस्टिंग आया। इसके अलावा उसने एडवर्टाइजमेंट में भी खर्चा करा। एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा करा, 15,000, ठीक है। तो कुल मिला के उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, कॉस्ट ऑफ लैंड कितना पड़ गया, कॉस्ट जोड़ देते हैं हम लोग, 3 0 हो गया, 5 5 10 कैरी 1, 5 1 6 6 एंड 1 7, 7 7 14 कैरी 1, 2 1 3 एंड 1 4, 34,40,000। तो कुल मिला के उसे खर्च पड़ा 34,40,000। बट वो बेचना कितना में चाहती है, एसपी ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड वो कितने में बेचना चाहती है, 40 लाख में, ठीक है। जबकि सीपी कितना पड़ा उस लैंड का ओवरऑल खर्च करने के बाद, 34,40,000। ऑब्वियस एसपी जो है बड़ा है सीपी से, सो प्रॉफिट तो होगा, मुनाफा तो होगा, कितना होगा, तो 40 लाख, ठीक है, माइनस 34,40,000, ठीक है। 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 4 इज 5, 5,60,000, ठीक है। तो हमारा आ रहा है 5,60,000, ठीक है। सो अब हम लोग करते हैं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जैसे हमने देखा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना है, 5,60,000 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है, 34,40,000 × 100। तो ये 3 0 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 0 कैंसिल हो गया। अब आ रहा है 56 और इधर है 34, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे 56/344 × 100 है। इसको क्या करें, देखते हैं क्या हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, और काट लेते हैं 4 से तो नहीं होगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सो 700 डिवाइडेड बाय 43, ये कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1, इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 700 से 43 को, 43 1 जा 43, 7 आया, 6 माइनस 4 इज 2, 270, तो ये 14 जा हो जाएगा, 4 3 जा 12 कैरी आ 172, सो 14 पॉइंट, ये अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो 14.52% आता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 14.52, ओके स्टूडेंट्स, 14.52% आएगा इसका सॉल्यूशन, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, सो थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए, अदरवाइज आराम से इसको भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जैसे कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ऐसे कुछ जबरदस्त आयामे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ऐसा सिर्फ 3 4 5 क्वेश्चंस करने से नहीं होगा, ओके। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, जितना ज्यादा तपेंगे ना उतना बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। अब मिलेगा कहाँ, इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे फिर, सो इसके लिए मैं बेस्ट जगह बताता हूँ, सिंपली जाओ वेदांतु सर्च करो गूगल पे, वेदांतु के वेबसाइट पे जाओ, वहां देखो कोर्सेज, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराया जाता है। तो बहुत सारे यहाँ पे ओएमएम के कोर्सेस चल रहे हैं। ओएमएम क्या है, ओलंपियाड मैथ,
मास्टरी, इसके अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं ताकि सभी क्लासेस के अलग अलग स्लॉट बनाए हुए वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस कर पाए। सो लेवल 4 जो है वो मैं देखता हूं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चे। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, फुल टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है, डेली असाइनमेंट्स, वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो सोचो कितने सारे फैसिलिटीज, और ये वीकली 2 डेज होता है। लेवल 4 भी है, लेवल 5, 6, 7 ऐसे आगे जैसे जैसे क्लासेस है उनके अकॉर्डिंग उनके लेवल्स बनाए गए। इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो यू कैन गो सर्च हियर एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ। और ट्रस्ट मी बहुत मजा आने वाला है एंड यू विल गेट प्रैक्टिस टू मच सो दैट जब तुम कॉम्पिटिशन पे बैठो तो लगे अरे ये क्वेश्चन तो हमने किया था, ये क्वेश्चन तो हमने किया था। बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस होने वाली है और बहुत जबरदस्त तैयारी होने वाली। ओके सो सी यू सून देयर। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। साक्षी सोल्ड अ बुक फॉर ₹27.50 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ शी हैड सोल्ड इट फॉर 25.75, दैट इज ₹25.75, then what would have been the percentage of profit or loss she earned? Sakshi sold a book, ठीक है, उसने ₹27.50 पे बुक को बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 10%। इफ शी सोल्ड इट फॉर ₹25.75, then what would have been the percentage? कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? चलो डू द कैलकुलेशंस फास्ट। वंस अगेन आईएमओ ग्रेड 8 2017 का सवाल है। चलो फिर आंसर देखते हैं। प्रॉफिट है 3%, प्रॉफिट इज 3%। चलो सॉल्व करते हैं। सो जैसे यहां पे दे रखा है सोल्ड अ बुक, मतलब एसपी है हमारा बुक का ₹27.50 और प्रॉफिट दे रखा है 10%। तो भाई हम लोग सीपी निकाल लेते हैं, सीपी कितना पड़ा, सीपी साक्षी के लिए कितना पड़ा? सो 100 इनटू एसपी डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मीन्स 100 इंटू 27.50 डिवाइडेड बाई 110। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 डाल देंगे, ये 100 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। सो 11 2s are 22 11 5s are 55, बहुत बढ़िया। तो सीपी आ गया ₹25। अब हमें करना क्या है कि प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा अगर सोल्ड किया जाए ₹25.75। ऑब्वियस ₹25.75 ज्यादा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो ऑब्वियस उसे प्रॉफिट ही होने वाला है, राइट? सो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट ₹25 है सीपी, एसपी कितना है 25.75 या 75। So profit कितना है 0.75 divided by CP 25 into 100, तो point हटा, 100 लगा, ये खत्म, 25 3s are, so answer है 3%, answer is profit and that is 3%, ठीक है बच्चों? So profit जो होने वाला है वो 3% है। Let's move to the next question. Next question है हमारा IMO grade 2018 का और grade 8 के हैं ये सब। A sells his motorcycle। देखो इस तरह के questions ना काफी आते हैं, ये confuse करते हैं, but confuse नहीं होना, एक एक चीज details में समझेंगे। A sells his motorcycle to B at a profit of 7%
बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। इफ सी पेज रुपीज 14,445 फॉर इट, देन वॉट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर ए? कह रहा है ए सेल्स इज मोटरसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 7%, बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। इफ सी पेज रुपीज 14,445 फॉर इट, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर ए? ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व इट। एकदम स्टेप वाइज पीछे से आगे जाने की कोशिश करो, शायद तुम्हें मिल जाए। बारीकी से क्वेश्चन को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, रीड इट अगेन। चलो फिर लेट्स लुक इन टू द आंसर। सो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स ने जैसे कमेंट बॉक्स में लिखा 12,500, बिल्कुल सही है। और जिन्होंने नहीं सका, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे सॉल्व करें। सो ए सेल्स द मोटरसाइकिल टू बी, ए किसको बेचा? बी को बेचा, क्या हुआ? 7% प्रॉफिट पे, ठीक है। फिर क्या हुआ? बी ने बेचा सी को 8% प्रॉफिट पे। फिर कह रहा है कि सी ने पे किया 14,445। अब बेचा किसने भाई? बी ने सी को बेचा, तो सी तो बी को ही ना देगा। दैट मीन्स सीपी ऑफ सी, ठीक है, सीपी ऑफ, ऐसे लिखते हैं ज्यादा अच्छा होगा, सीपी ऑफ सी नहीं लिखे, सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल फॉर सी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर सी इज इक्वल टू एसपी ऑफ मोटरसाइकिल फॉर बी। भाई बी जितना पे करेगा, किसको पे करेगा? बी को। बी बेचा तभी तो सी खरीदा। ओके, सो ये हमारा 14,445 जो आया है, ये हमारा एस पी ऑफ मोटरसाइकिल फॉर बी भी हो गया। तो भाई देखते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर बी कितना हुआ होगा, किस दाम पे बी ने खरीदा होगा, निकालते हैं। तो जिस दाम पे बेचा, तो एसपी, एसपी वो हो गया जो हमारा बी ने सेल किया था सी को, राइट, और वही हमारा एसपी हो गया बी के लिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही क्लियर रखना है दिमाग में कि जो कॉस्ट प्राइस है सी के लिए वो सेलिंग प्राइस है बी का, तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस बी के लिए कितना है। तो सीपी इक्वल टू 100 इंटू एसपी, एसपी हो गया 14,445 बाय 100 प्लस 8, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो ये 100 इंटू 14,445 बाय 108, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं नंबर यहाँ पे 2 से करते हैं, 2 5 10, 2 4 8, 250 हो जाएगा। फिर से करते हैं, हम लोग चेक करते हैं क्या 3 से ये डिविजिबल है। 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13, प्लस 4 इज 17 और 118, 3 से हो जाएगा। सो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 होता है, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर से करते हैं 3 से, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ओके।
सिक्स से ट्राई करते हैं, सिक्स टू जा 12 हो जाएगा, 40 बचा, सिक्स फाइव जा 35, नहीं थ्री से काटते, थ्री टू जा 6, थ्री फाइव जा 15, थ्री थ्री जा 9, थ्री फाइव जा 15, ओके। अब इससे कट कर दे 2, 25 सा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया आंसर 535 इंटू 25, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 535 इंटू 25, 55 जा 25 कैरी 2, 53 जा 15 और 217 कैरी 1, 55 जा 25 126, ये आ जाएगा 52 जा 10 कैरी 1, 32 जा 6 17 एंड 52 जा 10, तो ये आ गया हमारा 13,375 रुपीस। ये आ गया हमारा 13,375 रुपीस, दैट इज द क्या कहेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस फॉर बी, बी ने इतना दाम में खरीदा। अब देखो ये जो दाम बी, ठीक है, सीपी ऑफ मोटरसाइकिल फॉर बी, ये हुआ होगा एसपी ऑफ मोटरसाइकिल फॉर ए, ए जिस दाम में बेचा हो उसी दाम में तो बी खरीदा हो, तो अब निकालते हैं सीपी फॉर ए, ठीक है। तो ए ने कितने दाम में खरीदा होगा, अगर ए ने बेचा बी को विद अ प्रॉफिट ऑफ 7%, तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे 100 इंटू 13,375 बाय 100 प्लस 7 बन के आ जाएगा 107, ठीक है। अपन देखते हैं 107 से देखते हैं 13,375 को डिवाइड करके, 107 वन जा 107, 13 7 एंड 6 13 हो गया, ये 2 हो गया, 7 आ गया, 2 जा करते हैं तो 7 2 जा 14 कैरी 1 2 1 4, 7 माइनस 4 इज 3, 6 1 5 5 3 5, 5 जा देखते हैं 7 5 जा 35 कैरी 3 और 5 1 जा 5, सही है 1 2 5, ये 1 2 5 से कट गया, मींस 100 इंटू 125 करेंगे 12,125 और 20। सो कॉस्ट प्राइस जो आया हमारा मोटरसाइकिल का 12,500, कॉस्ट प्राइस जो आया हमारा मोटरसाइकिल का वो है 12,500, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हमें पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 600 मोर, कार्तिक वुड हैव मेड 5% प्रॉफिट ऑन हिज सेल इंस्टेड ऑफ अ 11% लॉस, व्हाट वाज हिज कॉस्ट प्राइस। तो ये सवाल मैं तुम लोगों से सॉल्व कराना चाहता हूं, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क फॉर टुडेज क्लास, आज के इस वीडियो में ये तुम्हारा होमवर्क है। आई वुड एक्नॉलेज, देखना चाहूंगा भाई कौन पहला बच्चा है जिसने सॉल्व करा और चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में डाला है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर दिस टू चैनल, बहुत ही बढ़िया चैनल है वेदांतु ओलंपियाड स्कूल एंड वेदांतु यंग वर्ल्डर्स। जल्दी से नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना सो दैट यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अपडेट्स इन दिस, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।